नमस्कार मित्रों, आज 12 जनवरी है। आज के दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस आखिर क्यों? क्योंकि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1863 कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद? तो उनके परिचय में मैं बस 3 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरनिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 11 सितंबर 1893 शिकागो, जहां पर विश्व धर्म संसद के का सम्मेलन हुआ था। तो ये स्वामी विवेकानंद थे जिनके महज 5 शब्द ने पूरे पश्चिमी सभ्यता को बौना साबित कर दिया था। आखिर क्या थे वो 5 शब्द? तो आइए सुनते हैं वो 5 शब्द क्या थे। वो 5 शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जहां पे सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे, वहीं पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी कि ये आखिर इस व्यक्ति ने क्या कह दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, किस रिश्ते से हम इनके भाई एवं बहन हुए? तो यही तो सभ्यता है सनातन की, जिसे लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। जब स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचे तो वो अकेले नहीं पहुंचे थे, उन्होंने पूरे भारत की संस्कृति तथा सनातन धर्म की सभ्यता को लेकर वहां पर पहुंचे थे। और उन्होंने जो हमारा जो एक उपनिषद में लिखा गया है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत श्याम, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत श्याम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, हमारे लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। यह मेरा है, यह तेरा है, ये जो सोचता है वो लघु हृदय वाला होता है, संकुचित सोच वाला होता है। लेकिन हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हमारे लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। हम उन्होंने यहाँ पे ये बात समझाई कि हम वो हैं जो सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब तक वो हमला नहीं करता तब तक हम उसे मारते नहीं, और सीमाओं को जीतने के लिए हम मर्यादाओं को हारते हैं। उनका जो दूसरा वाक्य था ये भी सुनने योग्य था। इट फील्स, सुनेंगे ध्यान से, इट फील्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल इन राइज ऑफ रिस्पॉन्स फॉर द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। तो वो अमेरिकी जो लोग थे अमेरिका के प्रति अपने आभार को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन क्या ये सच था? क्या उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया था? जी नहीं। उस सम्मेलन से लगभग 1.5 महीने पहले स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे थे और उनके भी जो स्वागत होता है उसमें वही लाइन थे, यू ब्लैक गेट आउट फ्रॉम अमेरिका। लेकिन फिर भी उस विश को उन्होंने पिया, और जब वो सम्मेलन में पहुंचे, जब वो मंच तक पहुंचे, तो उन्होंने उस विश को नहीं उगला, उन्होंने ये बात नहीं बताई कि हाँ मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है, बल्कि वो तो ये बताना चाहते थे कि हम महादेव के वंशज हैं, हम विष पीते हैं लेकिन हमारे मुख से हमेशा अमृत धारा ही निकलती है। उन्होंने उस बात के लिए भी अमेरिकी वासियों को का आभार व्यक्त किया। तो इस प्रकार के जो थे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। और 12 सितंबर 1893 में अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनके हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम था, और वो नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था? तो पहले 2 पंक्तियां तो आपको बताई गई, और जो पंच लाइन था वो आप सुनेंगे, दैट यस आई एम प्राउड टू बिलोंग टू सच ए रिलीजन, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू सच ए रिलीजन विच हैव टॉट द वर्ल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। जी हाँ, हम उस सभ्यता से आते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को यह सिखाया है कि सहिष्णुता क्या होती है। जी हाँ, कई हजार साल पहले हमारे वेदों में उपनिषदों में लिखा गया है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग विद्वान उसे अलग अलग धर्म का नाम बताकर अलग अलग प्रकार से व्याख्यान करते हैं, तो वो गलत नहीं है। हम अपने धर्म, हमारा धर्म भी सही है, आपका धर्म भी सही है, हमारे धर्म को सही होने के लिए आपके धर्म को गलत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। और इसी के साथ मैं चंद पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि विजय विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती भुवन में, भुवन की जीत मिटती भुवन में, क्या खोजना उसको गिरकर पतन में। भुवन की जीत मिटती भुवन में, क्या खोजना उसको गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। यही बात बताना चाहते थे स्वामी विवेकानंद शिकागो में। तो बच्चों, हम लोग बहुत कुछ जाने स्वामी विवेकानंद के बारे में। जो कुछ भूल त्रुटि हुई हो उस बात को नज़रअंदाज करते हुए इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मैं सभी भारतवासियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि अपने हीरो आप स्वामी विवेकानंद को बनाइए, ना कि पश्चिमी सभ्यता से आए हुए किसी और चीज़ को। हमारे में यही एक कमी रह गई है कि हम हर उस चीज़ को सुपीरियर मानने को तैयार हो जाते हैं जो पश्चिमी सभ्यता से आती है। लेकिन ये वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 शिकागो में पूरे पश्चिमी सभ्यता को, पूरे पश्चिमी देशों को उनके उन्हीं के भूमि पर, वहाँ पर अगले 500 वर्ष, अगले हजारों वर्षों तक के लिए सनातन धर्म का ध्वज वहाँ पर फहरा दिया। और इसी वक्त इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।